आज की बहुत ही बड़ी खबर निकल के आई हुई है। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, पैन कार्ड हर किसी को अनिवार्य हो गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, पैन कार्ड हर किसी को ज़रूरत है दोस्तों, मेरे को, आपको, सबको ज़रूरत है पैन कार्ड। तो इसी को लेके एक अपडेटिंग शुरू की आई हुई है 2020 में। तो जैसे कि दोस्तों, न्यू अपडेटिंग शुरू हुई हुई है पैन कार्ड को लेकर। आप चाहें तो पैन कार्ड 10 मिनट में, मात्र 10 मिनट में अपने पास पैन कार्ड और पैन नंबर आ जाएगा आपका। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप इसी ब्राउज़र पे खोल लीजिए, इसी ब्राउज़र चाहे क्रोम ब्राउज़र खोल लीजिए। उसके बाद खोलने के बाद सर्च बॉक्स पे लिखना है आपको ई फिलिंग। ई फिलिंग लिख के आपको सर्च कर देना है, जैसे कि ई एफ डब्ल्यू एल आई एन जी, इसको लिख के सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्टली आपको नीचे नहीं जाना है, आपको ऊपर वाले बॉक्स पर ही दिख रहा होगा, आपको ऊपर वाले बॉक्स पर ही आपको इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद इनकम टैक्स पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का पेज खुल के आएगा हमारे सामने दोस्तों। इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। इस तरह का कुछ पेज खुल के आएगा, उसके बाद यहाँ से कट कर देना इसको। इस तरह का पेज खुल के आएगा दोस्तों, देख लीजिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। उसके बाद आपको यहाँ पर आपको दिखा होगा स्टेंट, आपको स्टेंट पेन और आधार लिख रहा होगा, दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, इस पर दोस्तों आपको क्लिक करना है, देख लीजिए। ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का पेज खुल के आएगा आपके सामने, देख लीजिए। उसके बाद थोड़ा सा इसको जूम करके बता रहा हूँ, देखिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे पास दो ऑप्शन आया हुआ है, गेट न्यू पेन, चेक स्टेटस पेन डाउनलोड। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये बॉक्स आपको डाउनलोड करके देगा और ये बॉक्स आपको न्यू पेन कार्ड बना के देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, मात्र 10 मिनट में पेन कार्ड आपका बन जाएगा और पेन कार्ड भी आपका, पेन नंबर आपके पास आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, गेट न्यू पेन पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का बॉक्स खुल के आएगा। अब इसको आपको क्या करना है, कुछ फॉर्म फिलअप करना है आपको, इस पर फॉर्म आपको कुछ भरना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस पर आपको, इस पर अपना आधार नंबर भर दीजिए। ठीक है, आधार नंबर भरने के बाद आपको ये कैप्चर दिख रहा होगा, आपको ये कैप्चर दिख रहा होगा यहाँ। आधार नंबर भरने के बाद एक कैप्चर आपको दिख रहा होगा, उसके बाद एक कैप्चर यहाँ भर दीजिए। यहाँ भरने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको जनरेट आधार OTP पे क्लिक कर देना है। और हाँ दोस्तों, इस पर भी क्लिक टिक लगा दीजिएगा, कंफर्म दैट पे। ठीक है, इस पर क्लिक टिक लगा के उसके बाद जनरेट आधार OTP पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, उसके बाद आपका एक आधार नंबर, आपका जो आधार नंबर मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा, उस रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, उस OTP को आपको वहाँ दर्ज करना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस तरह का कुछ आपको करना है। दर्ज करने के बाद आपको जो आपकी जानकारी है, आपका नाम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ, सारी भर देनी है। भरने के बाद आपका पेन नंबर मात्र 5 मिनट के अंदर आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे आ जाएगा। आने के बाद आप वहाँ से फिर इसको यहाँ से कैंसिल करने के बाद आप इस पर, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको, इस पर क्लिक करने के बाद वो पेन नंबर आपको क्या करना है, आपको वही आधार नंबर आपको यहाँ भर देना है। ठीक है, और उसके बाद ये कैप्चर नीचे भर देना है। नीचे भरने के बाद आधार नंबर ऊपर, कैप्चर नीचे, नीचे भरने के बाद आपको इस पर सबमिट पे क्लिक कर देना है, आपका पेन नंबर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद। इस वीडियो के माध्यम से आपको पता लग गया होगा पेन नंबर, पेन कार्ड कैसे बनता है। तो दोस्तों आगे फॉर्म फिलअप करके आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे को इस पर, मैं क्लिक करके देख चुका हूँ, बता चुका हूँ, इसीलिए दोस्तों। तो आप व्यू करके देखिएगा, आपको श्योर पता लगेगा, बहुत अच्छा है ये वेबसाइट है, बहुत ही अच्छा जानकारी, न्यू अपडेटिंग लेके आई हुई है। तो धन्यवाद दोस्तों, अगले नेक्स्ट वीडियो के लिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय।